हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम आकाश, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास टेंथ मैथ के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैथ में कम से कम 100 में 95 नंबर का, कम से कम 100 में 95 नंबर मैथ में हम लोग इस बार लाने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन करना है। और यहाँ पे एक बात लिखा हूं, सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें, ठीक है। मैं तो सॉल्व अभी जस्ट आप लोगों के साथ करूंगा, मुझसे पहले ही आप सॉल्व करके आंसर बता दो। तो चलो, वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, और पहला प्रश्न यह है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, 0, 1, 2, 8। आपको बताना है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबको मालूम है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा अभाज्य संख्या 0 है, 1 है, 2 है, 8 है। 0 तो होगा नहीं भाई, और 8 तो होगा नहीं, ठीक है। बात हो गया 1 और 2, तो अब कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए, 1 जो है आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को ही कहते हैं, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, 2 तो आपका अभाज्य संख्या है ही, 2 को हम समवी संख्या कहते हैं, ठीक है, बात को याद रखिएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 को सम संख्या भी कहते हैं, यह बात आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। आगे देख लो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा। अब प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पे है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विव्युत्कर होगा। अब आपको विव्युत्कर बताना है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूं कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न है 3x² - 2x + 1/3 = 0, ठीक है। देखो पहले इसको सिंपल में तोड़ दो, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक मान लो, और सिंपल इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 1, 1 का एलसीएम होगा यहाँ पे 3। जब 1 का भाग 3 में दोगे तो 3, और 3 को गुणा इसमें करोगे तो 3 × 9 x² हो जाएगा, माइनस 1 का भाग दोगे 3 में तो 3, अब 3 × 6 x, और प्लस 3 का भाग 3 में दोगे तो पूरा कट गया, ऊपर बच गया 1, और बराबर इस साइड में बच गया 0। अब करना क्या है आपको, ये जो 3 भाग में है, यह भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 9x² - 6x + 1 = 1। ये 3 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में होगा, 3 को गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। विव्युत्कर ज्ञात करना है, उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -6, और सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब हमें निकालना है विव्युत्कर, और विव्युत्कर का फॉर्मूला होता है कि डी बराबर B² - 4AC। तो यहां से जगह डी बराबर B² ना, बी है आपके पास -6, तो -6² फिर -4 × a, आपके पास 9 और c आपके पास 1 है, तो डी बराबर यहाँ पे आ जाएगा -6² क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 36, -4 × 9 = 36, और 36 गुणा में करोगे तो फिर 36, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 0। डी बराबर क्या आ गया 0, मतलब विव्युत्कर क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो देखो दिया हुआ है, देना तो चाहिए इसको, तो डी बराबर 0। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देख रहे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आराम से करके आओगे। फिर अगला प्रश्न देखो, यदि साइन 3a, प्रश्न क्या है ध्यान से पढ़ो, यदि साइन 3a बराबर 3/5 तो कॉस a का मान होगा। देखो कैसे हल करोगे इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि दिखे आपको। हमको दे दिया यहाँ पे साइन a, साइन a बराबर 3/5 दे रखा है, हमसे पूछा यहाँ पे कॉस a का वैल्यू। तो आप चाहोगे तो त्रिभुज बना के भी लगा सकते हो, ठीक है, कि यह लंब हो गया एकड़ हो गया, क्योंकि साइन बराबर लंब बटे एकड़ होता है, तो लंब हो गया एकड़, त्रिभुज बना के लगा सकते हो। अन्यथा मैं आपको सिंपल बताता हूँ, सबको मालूम होगा सर्वसम्मिति वाला फॉर्मूला कि sin² a + cos² a बराबर क्या होता है 1, मालूम है कि नहीं। हमें निकालना है कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को मैं अगर इधर रोक दू तो 1,
और प्लस साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमें तो चाहिए कॉस ए, यहाँ पे दिया कॉस स्क्वायर ए, तो यहां से अगर मैं कॉस ए की वैल्यू निकालू तो यह वर्ग है उधर जाएगा, तो यह सब किस में आ जाएंगे, वर्गमूल में हो जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन का वैल्यू दिया ही है, बस रख देंगे हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए बराबर करड़ी में वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन का वैल्यू 3/5 और इसका क्या कर दिया जाएगा, स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए बराबर, ठीक है, करड़ी में वन माइनस तीन का क्या होता है 9 और 5 का क्या होता है 25, तो हो जाएगा आपका कॉस ए बराबर 25 से कम 25 और 25 में से 9 जाएगा तो 16 और नीचे क्या बच गया 25, इसमें है करड़ी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो हो जाएगा कॉस ए बराबर, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, मतलब 4/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं दिया है क्या, 4/5 दिया, देखिए दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 4/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यह है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से इसको समझ लेना, इस पर एक क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुज हैं जिनका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिभुज के भुजाओं में अनुपात पूछ रहा है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो एक थ्योरम चलती है, वो आपको याद होना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ए संबंधे बी है, ठीक है, तो यह बराबर होगा उसके भुजाओं, भुजा मान लेते हैं कि सी संबंधे डी है, तो कह रहा है उसके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, सी का स्क्वायर संबंधे डी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ए संबंधे बी है, तो वह बराबर होगा उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि सी स्क्वायर संबंधे डी स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 4/9 लिख देंगे और बराबर में इसको लिख देंगे सी बटे डी का यहाँ पे होल स्क्वायर, दोनों को इस होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सी का स्क्वायर है डी का स्क्वायर है, एक साथ हमने लिख दिया। हमें चाहिए क्या, भुजाओं का अनुपात सी बटे डी चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ग है, इसको भेज देंगे तो किसमें आ जाएगा, वर्गमूल में, तो हो जाएगा 4/9 वर्गमूल में, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 2/3 बराबर सी बटे डी, तो भुजाओं का अनुपात अगर सी बटे डी देखा जाए तो आ जाएगा 2:3, ठीक है। तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको याद कर लेना। तो सी कितना गया था, सी संबंधे डी 2:3 दिया गया, 2:3 देखो ये है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि 3, 4, 6 देखो 3, 4, 6 और तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान होगा। देखो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बढ़िया पूछ दिया, तो सिंपल है, समांतर माध्य 5 है, सबको मालूम है कि समांतर माध्य क्या होता है, कि जो भी संख्या यहाँ पे दिया है प्रेक्षक, उसका प्रेक्षणों का योग यहाँ पे और बटे में जितना संख्या है वो बराबर क्या होता है, समांतर माध्य। तो सिंपल जोड़ देंगे यहाँ पे 3+4+6+x, ठीक है, और बटे में कितने संख्या, 1, 2, 3, 4 का हम भाग दे देंगे, अब बराबर में समांतर माध्य आता है, समांतर माध्य दिया ये कितना है 5, ठीक है। तो हल करेंगे तो 6, 4, 10, 3, 13, ये हो जाएगा 13+x और बटे में 4 बराबर कितना 5, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13+x बराबर 5 को 20, अगर मैं यहाँ से यक्स वैल्यू निकालूं तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 20 - 13, तो यक्स बराबर 20 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 7, यह हो जाएगा आपका आंसर, यक्स बराबर क्या 7, क्योंकि यक्स की वैल्यू पूछा था। देखिए यक्स का मान होगा तो यक्स का मान 7 होगा,
इसलिए सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यह है कि दो बिंदु 2.3 और 1.4 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, इसके बीच की दूरी पूछा है। तो एक बिंदु है जिसका नाम मैं ए रख लेता हूँ, जिसका निर्देशांक दिया है 2.3, और एक बिंदु यहाँ पे हम मान लेते हैं बी, जिसका निर्देशांक है यहाँ पे 4.1। अब इनके बीच की दूरी पूछा है, इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी हम लोग याद करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, तो लगता है आपका करणी में x1 - x2 का होल स्क्वायर और +y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही तो लगता है। अब सिंपल रख दो यहाँ पे, तो करणी में हो जाएगा यहाँ पे x1 मतलब 2 - x2 मतलब 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर +y1 मतलब 3 और y2 मतलब 1 का होल स्क्वायर। इसे अगर हल करते हैं तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, और +3 में से 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। इसे अगर हल करोगे तो -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4, और +2 का करोगे तो 4, तो यह आ जाएगा करणी में 4 4 8। और इसको लिख कह सकते हैं, लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो 4 का वर्गमूल तो 2 बार आ जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करणी में ही रहेगा, तो 2 करणी में 2 आएगा। भाई दिया है क्या, देखो 2 करणी में 2 देना तो चाहिए उसको। तो देखो 2 करणी में 2 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण है x²-k2kx-k6=0 का एक मूल अगर 3 है तो k का मान होगा। तो भाई आपको द्विघात समीकरण दिया है और एक मूल भी दिया है और k का वैल्यू पूछा है। तो मूल हमेशा जब भी द्विघात समीकरण में निकलता है तो x का वैल्यू ही निकलता है मूल, तो x का वैल्यू तो दे रखा है, के का वैल्यू पूछा है, तो सिंपल है रख देंगे यहाँ पे। द्विघात समीकरण क्या है, x²-k2kx-k6=0, जिसमें से एक मूल आपको 3 दिया हुआ है के का मान, तो मूल x का वैल्यू होता है क्योंकि x ही निकलता है मूल, तो x = 3 रख देंगे। क्या रख देंगे, x = 3, तो x आ गया, x रखेंगे 3, तो 3² - k² - k² फिर x आ गया, तो रखेंगे 3 - k² = 0। चलो अब सिंपल यहाँ पे कर देंगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9 - 3 × 6 k, बीच गया आपका -k² = 0। तो 9 में से अगर 6 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 3, और हो जाएगा आपका -k² = 0। तो 3 - -k² उधर जाएगा तो +k² का वैल्यू निकालोगे तो 3, आइए 6 गुणा में उधर जाएगा तो 6 भाग में आ जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा। काट दोगे तो 3 एकम 3, 3 × 6, 1/2 = क्या जाएगा के। ठीक है, के का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, सिंपल। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि 2 10 30° + 1 10²30° का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल, इसमें तो सिर्फ वैल्यू ही रखना है। क्या दिया है, 2 10°³ / 1 10²³। तो हो जाएगा आपका 2 × 10°³ का वैल्यू कितना होता है, 1/3, तो हो जाएगा 1/3, और नीचे पूरा बटा में 1 + 10²³ मतलब 1/3 का क्या किया जाएगा, होल स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 है, तो हल करेंगे यहाँ पे तो 2 को गुणा 1 में होगा तो ऊपर हो जाएगा 2/3 कितना 3, और नीचे हो जाएगा आपका 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऊपर तो बच गया आपका 2/3 3, और नीचे 3 एकम 3 1 4/3 कितना बच गया, 3 बच गया।
अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 या भाग में तो गुणा में चेंज कर देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, काट देंगे 2 बार, ठीक है। तो ऊपर तो बच जाएगा आपका 3 और नीचे बच जाएगा 2/3। परिमेय करण कर देंगे तो 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, 3 का गुणा नीचे कर देंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 3/3 और नीचे आ जाएगा आपका 2 × 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से 3 अगर हम काट दें तो आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 3/2। देखो कितना सिंपल दिया हुआ है, बस वैल्यू रखना है, तुरंत आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है आप लोगों का कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात, अभी हमने एक फॉर्मूला बहुविकल्पीय में देखा था कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है, तो उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ए संबंध भी यह समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है और बराबर उनकी भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। भुजा मान लेते हैं कि सी संबंध डी है तो इसके वर्ग के बराबर होगा। इसको लोग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हो जाएगा a/b बराबर हो जाएगा c/d का पूरा होल स्क्वायर। तो भाई आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे ही रखा है, क्षेत्रफल 169 और 225, तो एक हो जाएगा 169 और दूसरा का हो जाएगा 225। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात तो दिया है, आपको पूछ रहा है कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भाई भुजाओं का अनुपात हो जाएगा c/d, लेकिन यहाँ पे वर्ग है, वर्ग की तरफ देंगे तो वर्गमूल में आ जाएगा, तो वर्गमूल में हो जाएगा आपका 169/225 और बराबर इधर हो जाएगा c/d। तो 169 का वर्गमूल 13 और 225 का वर्गमूल 15 बराबर c/d। तो जो भुजा का अनुपात आ गया c/d, तो सी संबंध डी जो आएगा उसका अनुपात तो आ जाएगा 13/15 के कितना, 15। तो 13/15 के 15 राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। देखो तो इस प्रकार लगा हुए 1% दिक्कत नहीं होगा, आप देख रहे हो ना कितना नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, सिंपल है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखें। देखो अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किग्रा है, ठीक है। 12 व्यक्तियों के जो भार का समांतर माध्य है वो आपका 45.5 किग्रा है, उनके भारों का योगफल, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो लिखेंगे यहाँ पे हल कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे कि 12 व्यक्तियों, लिखेंगे 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य, 12 व्यक्तियों के भार, ऐसे लिखना, मैं काट दो इसको, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दिया भाई, तो 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया है यहाँ पे 45.5। हमसे पूछ क्या रहा है कि 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल, तो 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल हमसे पूछा है। देखो एग्जाम में ऐसा ही आप लोगों को करना है, तो योगफल जब भी पूछे इस तरह बस मल्टीप्लाई कर देना, आपको 12 × 45.5 तो गुणा कर दो। देखो 12 × 12 = 60, तो 0 80 लगा कितना, 6, फिर 12 × 5 = 60, 60 और 6 66 को 86 लगा 6, 12 × 48 और 48 = 54, ठीक है। 0.1 अंक बाद लगा दो, 1 अंक बाद, मतलब 546 कितना गया, 546 आंसर आ जाएगा इसका योगफल, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार पूछ दे कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया रहेगा, उनके भारों का योगफल पूछ दे, तो आप सिंपल उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरा का पूरा योगफल आ जाएगा। तो चलो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, आगे जब हम बात करेंगे
तो दीर्घ उत्तरी या तीन तीन नंबर के क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।